नमस्कार। कल रात को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ गया और जितने फ़ोन शायद कल रात को 9 से लेकर 11 बजे तक मेरे बजे हैं नए क्लाइंट्स के, उतने कभी नहीं बसते। खैर हमने कोई उठाया ही नहीं, क्योंकि मैं ये झूठा वादा नहीं करता कि हम 24 घंटे काम करते हैं। हम तब काम करते हैं जब ज़रूरत होती है, और सुबह 5 बजे हम काम करना जरूर शुरू कर देते हैं, पर रात को 10 बजे हम कॉल्स नहीं उठाते, खासकर नए क्लाइंट्स की। 2 महीने से आपके पास समय था हमारे साथ जुड़ने का, अब भी जुड़ सकते हैं सुबह 9 बजे के बाद। और देखिए, वही साबित हुआ जो मैं हमेशा से आपको समझा रहा था, जब से 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था शायद कि 2022 की बस कट ऑफ मत देखो, 2021 की देख लो, 20 की देख लो, क्योंकि अगर सिर्फ पुरानी कट ऑफ देख के आपको आइडिया लगाना है ना, क्योंकि देखिए मोस्टली जो आपको मिलेंगे मार्केट में वो MBBS एजेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर 5-6 अच्छे MBBS काउंसलर मिलेंगे। लेकिन हम विवेक गुप्ता, मी पर्सनली, आई एम नॉट MBBS काउंसलर, आई एम अ करियर काउंसलर। उससे पहले आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। यू शुड चेक द बैकग्राउंड ऑफ विवेक गुप्ता। आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वेबसाइट खोल के हमारी, जिसका लिंक लिखा होता है कि मेरी क्या प्रोफाइल है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम दुनिया को किस नज़रिया से देखते हैं। तो जब लास्ट ईयर UP के राउंड 1 में कट ऑफ गिरी थी ना, और मतलब 8-8 लाख के रैंक पर एडमिशन मिल गया था आराम से, तो सिर्फ ये नहीं है कि पता नहीं क्या भूकंप आ गया, आई न्यू, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा ना कि एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम इंडिया को भी देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं। और 2022 में जो कि एडमिशन सिर्फ आज से 8 महीने पहले हुए थे, प्रॉपर्टी की सेल बिल्कुल रुक गई थी। मैं आपको एक चीज़ दोबारा समझाता हूँ, जो मैं अपने कई क्लाइंट्स को बताता हूँ, 3 तरह के लोग ही हैं जो प्राइवेट MBBS अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया में। या तो अच्छी नौकरी हो आपकी, अच्छा बिजनेस हो, बड़ी कॉमन बात है, पर तीसरा एंगल होता है, अच्छी नौकरी भी नहीं है, अच्छा बिजनेस भी नहीं है, लेकिन एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको बेच के कहते हैं कि चल यार, 2 ही बच्चे होते हैं आजकल, एक बच्चे पे ये प्लॉट लगा दिया, अगले बच्चे को कुछ और देख लेंगे। क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही थी, मतलब जिसको 1 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू हुआ करती थी कोविड से पहले, वो अभी तक 50-60 लाख चल रही थी, तो लोग बेचना नहीं चाह रहे थे। अब वो वापस 1 करोड़ पर आ गई है, प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल प्री कोविड लेवल पर पहुँच गए हैं। तो इस साल जैसे कहते हैं ना, मार्केट गर्म है, मार्केट हॉट है, जो आपने देख ही लिया कि महंगा महंगा कॉलेज अमृता जैसा, जॉली ग्रांड जैसा, 425 नंबर से ऊपर ही कट ऑफ ले रहा है, कि लोग 1 करोड़ 10 लाख भी खर्च करने को आराम से तैयार हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के 70-75 लाख देने को तैयार थे, तो देने को तैयार है, तो हमारे क्लाइंट तो 220 नंबर पर भी खाली रह गए, जैसे सारे कॉलेज भरे थे, और यही कह के कि सर आप एक नॉमिनल फ़ीस ले लो, क्योंकि हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा, बस आप फॉर्म वॉर्म देख लेना, बीच बीच में रिपोर्टिंग का एड्रेस दे देना, एंड टेक अ नॉमिनल चार्ज। और अब उसे कल रात को 9 बजे से 4 फोन आ गए, सर अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। मैंने कहा पहले तो अपना पैकेज अपग्रेड करना टू फुल प्रीमियम काउंसलिंग, तब तो आपने खाली UP स्टेट के हिसाब से लिया था ना, वो भी हाईली नेगोशिएट करके। और दूसरी बात जो खास इंपॉर्टेंट है, जोक्स अपार्ट, कि 220 नंबर पर UP खाली रह गया, और UP में हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी भरता है सोच समझ के भरता है, क्योंकि ये 2 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल होते हैं। UP इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसमें राउंड 1 ही फ्री एग्जिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। मध्य प्रदेश में भी सीट मिल जाए और अब ना लो राउंड 1 में, तो आप काउंसलिंग या बाहर हो जाते हो, पर कोई आपके पैसे का नुकसान नहीं होता, पर एकमात्र UP है जिसे पैसे का नुकसान होता है। तो जो भी समझदार भरता है UP, सोच समझ के भरता है, कुछ फिर भी अभी कुछ ना समझ भी भर देते हैं। मैं आपको बताऊँ जो चक्कर में थे कि हम 3-4 बैकअप ऑप्शन लेके चले, तो टोटल मिला के भैया अगर 4,000 सीटें हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि 200-300 सीटें खाली रह जाए राउंड 2 में, पर जो UP की वॉल्यूम है उसके बावजूद भी सिर्फ उतनी खाली रहती है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मोस्टली इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन्स हैं 75 लाख के बजट में, देखिए आप करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हैं, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज की सीट अवेलेबिलिटी इन दी बजट। तो इस बजट में अब ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म भरा सीट मिल जाएगी, बहुत प्रॉपर काउंसलिंग स्ट्रेटजी, काउंसलिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको 180-190 नंबर पे, अगर आप 75 के बजट में देख रहे हैं, 80 तक के बजट में देख रहे हैं, तो आप सीट कैसे लें ताकि आपको ऑप्टिमल और बेस्ट सीट मिले। तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, आइडिया रहेगा और सजेशन रहेगा कि प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस से चलिए, प्लानिंग से चलिए। एक आध फॉर्म भर के सीट नहीं मिलती, जो मैं आपको पिछले 1 महीने से समझा रहा था, 1.5 महीने से, और UP के रिजल्ट ने वो चीज़ साबित कर दी है कि रिजल्ट सारे ऊपर चला गया है। और जो हम तसल्ली से बैठे हुए थे कि UP तो मिल ही जाएगा, और वो नहीं मिला, तो अब देखते हैं कि हरियाणा भी राउंड 2 में कहाँ जाता है और बाकी स्टेट्स कहाँ जाते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बजट के लिए आपके 220-230 नंबर और आप 1 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार हो तो फिर और ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको। लेकिन 75 लाख 80 लाख के बजट में क्या क्या ऑप्शंस फ़िलहाल खुली हुई हैं, कौन कौन सी मिल सकती हैं, वो सब जानकारी चाहिए तो हमारा या किसी भी अच्छे काउंसलिंग कंपनी का काउंसलिंग पैकेज लीजिए। और सिर्फ यूट्यूब देख देख के ये मत सोचिए कि आपको सब पता चल जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, जैसा कि आजकल की जनरेशन को लगता ही है कि हम तो इलाज भी कर लेंगे यूट्यूब देख के और वो भी कर लेंगे यूट्यूब देख के। ओके, बहुत रेगुलर, बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और तभी पता चलता है कि हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे भी बचे और हमें सीट भी मिले। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। हमसे संपर्क करना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस मीटिंग सेटअप कर सकते हैं, दोनों चार्जेबल होते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि वरना लोग फ़ोन करते हैं फिर कहते हैं सर पहली बात ही कौन पैसे लेते हैं, हम तो लेते हैं क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है, हम क्वालिटी टाइम देते हैं तो बदले में अपने चार्जेस भी लेते हैं, हमें इसको लेने में कोई शर्म नहीं है। फ़ोन चार्जेस के 2500 रुपये हैं, फेस टू फेस मीटिंग के मिनिमम 5000 रुपये हैं और फ़ोन कॉल मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20 मिनट की होती है और फ़ेस टू फेस मीटिंग 1.5 घंटे से मैक्सिमम 1 घंटे की। तो 5000 रुपये दे के ये भी नहीं कि आप 3 घंटे मेरे आगे बैठे रहो। ओके, और उसके बाद ऑफकोर्स जब आप प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं तो हम उसके हिसाब से आपको मैं अपना समय देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।